ओके लाइव हो गया। कूल। सो बच्चों कंपाउंड एंगल अभी हम पढ़ेंगे। आज मैं डालूंगा डीपीपी, संडे को सबमिशन करना है। गूगल क्लासरूम में अपडेट कर दिया जाएगा, डीपीपी गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। वन ऑन जैसा जैसा चलेगा वैसा हो जाएगा। ओके या क्वेश्चन है बेटा, वन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 82 1/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22 1/2 डिग्री। नहीं पुराना स्केड्यूल नहीं है, मतलब उसको चेंज करना है। संडे तक मैं सबको चेंज कर देंगे। स्केड्यूल कहाँ डालोगे? वहीं डालेंगे गूगल क्लासरूम में, जहां पे डाली है ना शीट्स, वहीं पे मैं शीट को एडिट कर दूंगा आज। तो बेटा ये है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला। तो कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, वेरी सिंपल। सीधे इसका फॉर्मूला लगा देना है बेटा। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर जाता आता है ना तुम लोगों को बताना। नहीं आता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे किचन में कटोरी कहाँ पे है। ठीक है, डू द नीडफुल। तो 2 8 16 ये कितना आया? 165/2 प्लस 45/2 इंटू साइन 165/2 माइनस 45/2। ये आएगा बेटा 165 प्लस 45 210 बटा 2 105। 165 माइनस 45 120 बटा 2 60। बेटा साइन 105 क्या होता है? आई कैन राइट इट एज साइन 90 प्लस 15। साइन 60 की तो वैल्यू पता ही है तुम लोगों को, √3/2। तो साइन 90 प्लस 15 क्या मिलेगा बताओ? व्हाट विल बी साइन 90 प्लस 15? 10/5। क्या लिख रहा है? 105। अब घरे 105 से तो नीचे 90 प्लस 15 लिखा है, अब वापस ऊपर जाएगा। हाँ गलत आदि का नहीं, सही है, सॉरी कॉस 15 ना, कॉस पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव मैन कॉस 15 आएगा। कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है? किसको याद है? पता नहीं, येड़े कैसे पता नहीं, नोट चेक करो। अभी सिखाया था मैंने कॉस 15। कॉस 15 कैसे निकालते हैं? यस थैंक यू प्रिया। √3 + 1 टोरंटो, √3 + 1 टोरंटो एंड √3/2 एंड 1/√2। क्या 1/√2 बेटा? तू पिटेगा सही में, तेरे को मैं आज ही बुला रहा हूं, तुझसे मिलना पड़ेगा मुझे। 1/√2 क्या होता है? आज तेरे को बुलाना ही पड़ेगा। पूरा आंसर, पूरे आंसर 1/√2 कैसे आएगा? किस एंगल से 1/√2 दिख रहा है? आज तो पक्का तू आने वाला है, गया आज बच के रही हो। शाम के 8 बजे तेरे को बुला रहा हूं मैं। ओ सबकी ट्यूबलाइट जल गई, याद आया, ट्विंग।
चलो अब ये बता दो मैं। हाँ बताओ, ये बताओ जल्दी करो, मैं तुम लोगों को 1 मिनट दूंगा बस। काउंटडाउन स्टार्ट, भागो भागो जल्दी जल्दी, छुप 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 दौड़ो। कई लोग तो ये फॉर्मूला ढूंढेंगे अभी तो। ये फॉर्मूला कौन सा है सर? अच्छा एक्चुअली आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम टू गेट एन आइडिया, इसके बाद चीजें मैं ही करूंगा। अच्छा किसी को फॉर्मूला मिला क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का? मिल गया, गजब है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मैंने लिखा है, मैंने तो लिखवाया ही नहीं वो फॉर्मूला, तुझे कैसे मिल गया? झूठ पकड़ा गया। टाटा टाटा, तू भी बेटा आ जाएगा, हर 3 लोगों को बुला रहा हूं मैं, है ना सर? है क्या? बता दे। अच्छा मेरे को बता ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या आता है? बताओ फॉर्मूला बताओ, नोट्स में अगर है तुम्हारे। नहीं है, नहीं है आपका भ्रम है, वो नहीं है, इतना भी ढूंढ लो। आई कैन राइट कॉस स्क्वायर, ये कितना है? 225/2 माइनस साइन स्क्वायर 105/2। अच्छा जी, कॉस ए, बेटा दादी का पक्का? आर यू श्योर? तेरे को भी बुलाना पड़ेगा, ये होता है फॉर्मूला। एक मिनट रुक जा। अरे हाँ अच्छा, तुम ये बोल रहे हो क्या? नहीं बेटा, इससे क्या हो, इससे कुछ फायदा थोड़ी है तुम्हें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रही है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ी लगाओगे, उससे ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये कहाँ सिखाया मैंने? कॉस 225/2 प्लस साइन 105/2, उसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? अरे हाँ, ओ देख बेटा क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ना, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो बेटा, ठीक है? सर वो 225 कैसे आया? ओए इम्प्रॉपर से मिक्स, मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गए ना। नहीं खुली है सर, तो अभी भी मैं अंगड़ाई अंगड़ाई ले रहे हैं, अंगड़ाई। ओ है चलो करते हैं ना। अच्छा देखो,
दो तरीके करने के, ऐसा करता हूं मैं, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? आई से, या मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, चलता है। साइन स्क्वायर 225/2 में से बेटा 90 उड़ा देंगे तो क्या बचेगा? 180, राइट? कितना बचेगा? 225 - 180, 45/2। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 90 + 45/2, सॉरी कॉस स्क्वायर 90 + 45/2, ठीक है? तो बेटा कॉस 90 + थीटा क्या होता है? कॉस 90 + थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट क्योंकि स्क्वायर लगा है तो माइनस माइनस स्क्वायर होके ये हो जाएगा ना, ये। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या मैनिपुलेशन हुआ? अब बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अब तो उठा के पटक दो। साइन ए प्लस बी 45 + 105 होता है 150/2, 75 इंटू 45 - 105 कितना होगा? -60/2 - 30। तो साइन 75 इज नथिंग बट कॉस 15, और ये माइनस साइन 30 हाफ आएगा, माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ ले लिया। तो कॉस 15 की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होती है? √3 - 1/2 इंटू हाफ माइनस, अंदर ले लो। समझ में आया? बच्चों समझ में आया? गुड। चल नेक्स्ट करेंगे फिर। प्रूव दैट कॉस 9 + sin 9 / cos 9 - sin 9 = cot 36, ठीक है? क्या मैं आपको हिंट दूं इसको पढ़ने का? 855 हो गया पर। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। tan a + b इज इक्वल्स टू tan a + tan b 1 - tan a tan b। चल लेट अस सी कौन अप्लाई कर पाते हैं फॉर्मूला। धीरे धीरे आप लोगों को भी स्ट्राइक होगा ना, अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बहुत विगरस प्रैक्टिस करेंगे, विगरस असाइनमेंट देंगे और विगरस डेडलाइंस देंगे, तो एकदम आप बढ़िया धुआंधार हो जाएंगे ना, एकदम खतरनाक हो जाएंगे। अरे यार आ रही है, नहीं आई क्या? क्या बात है, 21 लोग कैसे हुए? एक तो चैट वाली है हमारे। चलो
कर दूं मैं? देखो क्या करना है, आपको दिया है कॉस साइन, तो फॉर्मूला भी मैंने बताया, तो क्या करोगे? पहले तो टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टैन में कन्वर्ट कैसे करोगे बेटा? कॉस नाइन से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो क्या बन गया? 1 प्लस 1 माइनस 10 इज राइट? अब देखने में तो तुम्हें लग रहा होगा, अरे यार मैंने शायद दूसरा फॉर्मूला नहीं, ठीक है सॉरी गाइस, दूसरा फॉर्मूला यूज होना था, ये वाला यूज करना पर इससे भी कर लेते हैं, इससे भी कर सकते थे, इससे भी हो जाता। नहीं बेटा इससे भी हो जाता, देखो 1 को लिख दो 10 45। मैंने तुम लोग को ये फॉर्मेट बताया था, 10 9 into 10 45 लिख सकता हूँ वही, क्योंकि 10 45 तो 1 होता है। सो व्हाट विल दिस बी? 10 45 प्लस 9 यू गेट 10 54। बट 10 54 इज नथिंग बट कॉट 36। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 10 of 90 minus 36। ठीक है समझा समझा, चमका चमका चमकीला। बेटा कुछ नहीं किया अपन ने, टैन कॉस 9 से डिवाइड किया ना ऊपर नीचे, तो cos 9 upon cos 9 1, sin 9 upon cos 9 tan 9, cos 9 upon cos 9 1, sin 9 upon cos 9 tan 9। अब 1 को लिखा 10 45, 10 45 plus tan 9 upon 1 minus tan 9। बेटा 10 9 into 1 लिख सकते हैं भाई, किसी को चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ बदलेगा थोड़ी, तो 10 9 into 1 ऐसे लिख दो। इस 1 की जगह 10 45 लिख दिया, तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये वाला। तो 10 45 plus 9 10 54। सर ये तो मैजिक जैसा है, डालते कुछ और है, निकलता कुछ और है। हाँ, कितना घुमाया है सर। बेटा ऐसी घुमाने वाली चीजें ही है, पर एक बार देख लिया, अब एक बार तुम्हें मैजिक ट्रिक पता चल गई तो तुम्हें पता है ना, जैसे तुम लोग जैसे बचपन में तुम लोग बेवकूफ बनते थे ना, तुम्हारे बड़े भाई बहन तुम्हें बेवकूफ बनाते थे, याद है ये चीज? देखो बेटा यू रिमेम्बर दिस स्टूपिड ट्रिक, देखो ये वाली उंगली को इधर लेके आए, चीं 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 चीं, ओ इधर आ गई, तो बाद में पता चला क्या बेवकूफ थे हम लोग सोचते रहते थे भाई कैसे हो गया ये, है ना? तो एक बार ट्रिक पता चल जाती तो उसके बाद ना अब कैसे करना है नेक्स्ट टाइम, तुम्हें पता है अच्छे ये वही चीज है, वही लगाना है, तो स्ट्राइक कर जाएगा, टैंग कर दोगे, ठीक है? सेम चीज यहाँ पे, चलो ठीक है। सॉरी 9 2